उज्जैन संभाग के पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार गुप्ता आज नीमच पहुंचे। इस दौरान नीमच पहुंचने पर सबसे पहले आईजी राकेश कुमार गुप्ता सीआरपीएफ मेस पहुंचे, जहां पर कलेक्टर अजय गंगवाल व एसपी राकेश कुमार सागर ने आईजी श्री गुप्ता का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। सीआरपीएफ मेस से आईजी गुप्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वर्तमान में रिनोवेशन जीर्णोद्धार कार्य की सराहना की। आईजी श्री गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना शाखा, महिला डेस्क, विशेष स्थापना, एसबी शाखा, सूचना संकलन आदि शाखाओं के कक्षों में जाकर अवलोकन किया और शाखा प्रभारियों व कर्मचारियों से चर्चा कर उनके द्वारा संपादित कार्यों की जानकारी भी ली। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना शाखा की पंजीयन स्थितियों, जवानों के सेवा अभिलेखों आदि का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक कक्ष में आईजी श्री गुप्ता ने जिले के थाना प्रभारियों से एक एक कर चर्चा की और कानूनी व्यवस्था की स्थिति एवं अपराध पर नियंत्रण के संबंध में जानकारी भी ली। आईजी राकेश कुमार गुप्ता के नीमच आगमन पर कई फरियादियों ने आकर उन्हें अपनी पीड़ा भी बताई और अपने शिकायती आवेदन भी सौंपे। प्रस्तावित एक वार्षिक निरीक्षण होता है हर जिले का, उसमें नीमच जिले का जो वार्षिक निरीक्षण था वो माह दिसंबर में प्रस्तावित था, तो उसी के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। तो आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय देखेंगे और कोई भी एकाध थाना भी आज ही देखेंगे। इसके बाद कल हमारी जो एक परेड होती है उसका एक निरीक्षण करेंगे। बलवा ड्रिल भी कल एक बार करा के देखेंगे कि कैसी तैयारी जिले के अंदर है। इसके अलावा एक बार सभी के साथ, सभी कर्मचारियों के साथ जरूर मिल के बैठेंगे और एक डीएसपी साहब का एक कार्यालय देखते हुए पूरा निरीक्षण करेंगे। तो ये कुल मिलाकर ये है कि जिले का कार्यप्रणाली कैसी है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस कैसा है, कर्मचारियों के जो ड्यूज़ हैं वो उन्हें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इस बात के लिए ये एक वार्षिक निरीक्षण है। सामाजिक पुलिसिंग को लेकर भी खास तौर पर कुछ उसमें आपने देखेंगे और इसको क्या उसको गौर करेंगे और आगे कुछ रहेगा इसको लेकर? मेरा ऐसा मानना है कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है पुलिसिंग का और नीमच जिला हमेशा से ही इसमें बड़ा अग्रणी रहा है। और जो कम्युनिटी पुलिसिंग में है अभी अच्छा काम हो भी रहा है, तो इसके संबंध में भी ज़रूर आवश्यक रूप से चर्चा होगी और उसकी भी समीक्षा की जाएगी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, अभी हम लोग एक्सीडेंट्स के सभी डेटा का एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें जो हमने देखा उसमें ये पाया कि मोटरसाइकिल सवारों की मृत्यु की दर लगभग 3 गुना है हमारे चार पहिया वाहनों में होने वाली मृत्यु से। तो आप ये मान के चलें कि कोई भी नहीं चाहता कि किसी दुर्घटना में किसी भी हमारे सदस्य की मृत्यु हो, और इसलिए बड़ा आवश्यक है कि हम मोटरसाइकिल पर हेलमेट का धारण आवश्यक रूप से करें। और ये ना सिर्फ मैं डेटा के आधार पर भी आपको बता रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लगभग 3 गुना लोग चार पहिया वाहन से ज़्यादा मोटरसाइकिलों में मृत हमारे यहाँ सड़कों पर हुए हैं। तो एक बड़ी अच्छी अनुकरणीय पहल है अगर हम हेलमेट लगाने के लिए लोगों को दे रहे हैं और उनकी जीवन रक्षा इससे होती है तो ज़रूर करना चाहिए। देखिए, मैं अगर अपना पुराने समय से इसको देख रहा हूँ तो वास्तव में बहुत चेंजेस आ गए हैं। और मैं जब यहाँ था तब तो ये ऑफिस यहाँ शिफ्ट ही हुआ था, तो उससे बहुत अच्छा काम हुआ है। और बिल्डिंग की अगर मैं रख रखाव की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा रख रखाव मुझे देखने में आया है अभी तक, और जैसा मैं सोचता था वैसा ही रख रखाव है। बाकी अभी रिकॉर्ड कैसा मेंटेन्ड है, काम कैसा चल रहा है, उसकी समीक्षा भी की जाएगी। सर, पुलिस जहाँ काम करती है छुट्टी का जो प्रावधान है साप्ताहिक छुट्टी का, उसको लेकर क्या वापस कुछ पहल होगी जो अप्लीकेबल किया जाए, कंटिन्यूशन को छुट्टी मिल पाए? सर देखिए, साप्ताहिक छुट्टी को देना ही हमारा एक हमें देना ही है, और इसके लिए अभी हम लोगों ने ये भी किया है कि अगर हम किसी कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश नहीं दे पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो हम उसे क्यूमुलेट करें, उन्हें इकट्ठा करके एक साथ उसे दे दें। कई कर्मचारी ऐसे भी होते हैं कि वो एक दिन का साप्ताहिक अवकाश न चाहिए, 3-4 दिन का लगातार अवकाश चाहते हैं। तो इस बारे में भी आज हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे कि हम अपने कर्मचारियों को इकट्ठा भी अगर हम अवकाश दे सकें तो ज़रूर दें।